वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 6 ऐसी हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ जिसे हेयर स्टाइल का एच भी नहीं पता है, वो भी इन हेयर स्टाइल्स को बहुत इजीली बना सकता है और ये ऑलमोस्ट सभी के फेस कट पे सूट करती है। तो सबसे पहली हेयर स्टाइल के लिए आपको बीच में से मांग निकालनी है। मांग निकालने के बाद अगर आपको जुल्फे निकालने का शौक है तो वो निकाल सकते हैं अगर आपके फेस पे सूट करती है तो, अदरवाइज आप ऐसे ही एक सेक्शन लेके और उसको हल्का सा ट्विस्ट करना है, देन उसके नीचे से एक सेक्शन और लेना है और उस नीचे वाले सेक्शन को पहले वाले सेक्शन के ऊपर लेके जाना है जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है। तो एक बार वीडियो को ध्यान से देखना कि मैं कैसे एक ले जा के एक छोड़ रही हूँ, एक सेक्शन अगर मैं उठा रही हूँ तो मैं दूसरा सेक्शन छोड़ भी रही हूँ। ऐसे ही आपको इसको अपने कान तक फॉलो करना है, देन कान तक फॉलो करने के बाद आपको इसको हल्का सा ट्विस्ट करते हुए पीछे लेके जाना है और अपने सेंटर पे इसको या तो पिन अप कर देना है या फिर आपके पास अगर छोटा क्लेक्चर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास यहाँ क्लेक्चर था तो मैंने इसलिए क्लेक्चर का यूज़ किया है। और ये हेयर स्टाइल आप किसी भी फंक्शन में जा रहे हो, आपके घर में हवन है या आप किसी पूजा में जा रहे हो, किसी की गोद भराई है या कोई भी छोटा फंक्शन है तो उसमें आप इन हेयर स्टाइल्स को इजीली बना सकते हो। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो तो भी इन हेयर स्टाइल को कुर्ते पे या अगर आपने जींस कुर्ता डाला है, आपने सूट सलवार डाला है तो आप अगर आपको ओपन हेयर स्टाइल चाहिए तो आप इस तरीके से बना सकते हो, आप बहुत सुंदर लगेगी। देन आपको सेकेंड साइड पे भी यही करना है। आप एक बार और रिपीट में ध्यान से देख लीजिए कि मैं कैसे एक सेक्शन ले रही हूँ और कैसे दूसरा सेक्शन को छोड़ रही हूँ। तो इसको भी आपको ऐसे ही अपने ईयर तक लेके जाना है एंड देन आपको पीछे तक इसको ट्विस्ट करके और अपने सेंटर पॉइंट पे एक ही क्लेक्चर से सिक्योर कर देना। इफ़ अगर आपके पास क्लेक्चर नहीं है तो आप जो हेयर क्लिप्स आती हैं, टिक टैक पिन्स आती हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बहुत हैवी किसी फंक्शन में जाना है जैसे शादी हो गई या आपको किसी के बारात में जाना है, लगन में जाना है, मेहंदी है या ऐसा कुछ है तो आप इसको अच्छे से सिक्योर कर लीजिए क्योंकि उनमें डांस होता है, हवन में या इन सब चीज़ों में डांस नहीं होता, इसलिए मैंने सिर्फ एक क्लेक्चर ही यूज़ किया है। अगर आपको और सिक्योरिटी चाहिए तो आप क्लेक्चर के साथ पिनअप भी अटैच कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ थोड़ा सा स्टाइल मार लेती हूँ आपको दिखाने के लिए कि हाँ ये हेयर स्टाइल वास्तव में लग कैसी रही है। और मैंने इन हेयर स्टाइल के लिए कोई भी कॉम यूज़ नहीं किया है, तो मैंने बिल्कुल रफ हैंड से बनाई है क्योंकि आप इस तरीके की हेयर स्टाइल जब बनाते हो तो अगर आप रफली हैंड से बनाते हो तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपका हाथ साफ नहीं है या आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप कॉम का यूज़ कर सकते हो। जो सेकेंड हेयर स्टाइल है वो पर्सनली मेरी बहुत फेवरेट है, मतलब मेरे को जब कुछ समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है तो मैं यही हेयर स्टाइल यूज़ करती हूँ, मतलब यही हेयर स्टाइल बनाती हूँ। तो इसके लिए अगर आपको मिड पार्टीशन अच्छा लगता है तो आप मिड पार्टीशन कर लीजिए, अदरवाइज आप इसको इक्वली कॉम करके और पफ की तरह बना सकते हो, पर मुझे मिड पार्टीशन वाला ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैंने मिड पार्टीशन लिया है और अपने साइड साइड से दोनों साइड से बाल लिए हैं एंड देन उनको अपोजिट साइड ट्विस्ट किया है। पहले मैं एक ही साइड ट्विस्ट कर रही थी बट नहीं, इसको अपोजिट साइड ट्विस्ट कर रहे हैं जैसे मैं अभी वीडियो में करके दिखा रही हूँ। और आपको दोनों में एक ही क्लेक्चर लगाना है, आपको 20 पिन लगाने की ज़रूरत नहीं इन हेयर स्टाइल में। अगर आपके पास दो पिन है या एक क्लेक्चर भी है ना छोटा सा तो भी आप ये हेयर स्टाइल ईजीली बना सकते हो और ये ऑलमोस्ट सभी के फेस पे सूट करती है। आपको दिख, मतलब आप देख ही सकते हो कि अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनमें से आपको कौन सी हेयर स्टाइल ज़्यादा पसंद आई। तो नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके मुझे कमेंट ज़रूर करना। मेरी फेवरेट ये वाली है, मतलब मुझे ये वाली हेयर स्टाइल बहुत पसंद है। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाना। देन थर्ड हेयर स्टाइल के लिए मैंने साइड पार्टीशन लिया है, तो मेरे फेस पे साइड पार्टीशन बहुत रेयर केस है कि वो सूट करता है। तो वो किसी किसी हेयर स्टाइल में सूट करता है, किसी किसी में नहीं करता है। तो इसमें ये थोड़े वेवी से बाल हो रहे हैं मेरे, तो इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है।
बाकी इतना अच्छा नहीं लगता है मेरे फेस पे साइड पार्टीशन। तो यहाँ मैंने बहुत ही ईजी हेयर स्टाइल बनाई है। इस हेयर स्टाइल को बनाने के लिए आपको सिर्फ ट्विस्ट करना है अपने बालों का। आप चाहो तो दो बार ट्विस्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ एक बार रोल किया, देन मैंने सेकंड लाइन ली उसको रोल किया, उसके बाद मैंने थर्ड लाइन ली उसको भी उसी के साइड, मतलब जिस साइड आप पहले टाइम रोल कर रहे हो आपको उसी साइड रोल करना है। रोल करने के बाद आपको पीछे एक लेक्चर लगा देना है, एंड देन जिस साइड से आपने लिया है उस साइड के सारे बाल आपको अपने अपोजिट साइड लेके आने हैं, एंड जस्ट ऐसे ही फ्लॉन्ट करना है। ये हेयर स्टाइल मैं तब बनाती हूँ जब मुझे मेरे बाल बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब उलझे हुए नहीं रहते हैं, रफ़ नहीं होते हैं। जब मैं वॉश करती हूँ बालों को तो ऐसे मतलब अच्छा लगता है। और फोर्थ हेयर स्टाइल बनाने के लिए भी आपको साइड पार्टीशन ही करना है। जो ये फोर्थ हेयर स्टाइल है इसमें हम हल्का सा पफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो हमने साइड में पहले बाल छोड़े थे उन्हीं में एक मतलब जैसे वेव सी आ जाती है, बाल थोड़े फूले फूले होते हैं। तो आपको इसमें बैक कॉमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट आपको अपने बाल साइड में लेके आने हैं और साइड में लेके आके हल्का सा ट्विस्ट करके और पीछे एक लेक्चर लगा देना है। बहुत इजी हेयर स्टाइल है और मोस्टली हर किसी के फेस पे सूट करती है। इससे चाहे आप जो ये मतलब जिस साइड आप बाल लेके आए हो, आप चाहो तो अगर आपको गर्मी लगे तो आप बाल को टाई भी कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा लुक आता है। आप बताइएगा कि आपको कौन कौन सी हेयर स्टाइल पसंद आई है और आप और किस टाइप की हेयर स्टाइल देखना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। फिफ्थ हेयर स्टाइल के लिए अगेन आपको साइड पार्टीशन करना है। साइड पार्टीशन करने के बाद मैंने थोड़ी सी जुल्फे निकाली क्योंकि मुझे बड़ा शौक है जुल्फे निकालने का। देन आपको एक छोटी सी ब्रेड बनानी है, मतलब जो आप फ्रेंच चोटी बनाते हो अगर आपको आती है तो, अगर आपको नहीं आती है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में मैंने इसका ट्यूटोरियल किया हुआ है फ्रेंच का, तो आप वो देख सकते हैं। बाकी आपको सिर्फ तीन, जैसे आप नॉर्मल चोटी बनाते हो वैसे ही आपको तीन सेक्शन करने हैं बालों के। देन एक बार गुत लगाने के बाद आप जब दूसरी गुत लगाओगे तो उसके ऊपर से आपको आगे से बाल लेके और उसमें अटैच कर देने हैं बस। आप एक बार वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कैसे बाल ले रही हूँ। लेने के बाद आपको सिर्फ अपने कान तक ही इसको फॉलो करना है। देन आपको इसकी नॉर्मल ब्रेड बना के और पीछे सेंटर ऑफ द हेड आपको क्लेक्चर लगा देना है, या फिर आप हेयर पिन का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ क्लेक्चर का यूज़ किया है, आप चाहो तो आप हेयर पिन लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। 500 के बहुत पास है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, आप मतलब सब्सक्राइब करना और लाइक करना एंड कमेंट करना, ये तीनों ही चीज़ें बिल्कुल फ्री है। आपके मन में जो भी है वो लिख देना, अच्छी लगी है तो, बुरी लगी है तो, मेरी आवाज़ पसंद नहीं आई तो, मतलब बस कमेंट कर देना कुछ भी, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और सिक्स हेयर स्टाइल के लिए सेम आपको मतलब जो ब्रेड हमने बनाई है उसको एज इट इज रख के एंड देन अदर साइड भी सेम उसी तरीके से साइड फ्रेंच बना लेनी है। अभी आप ध्यान से देखना कि मैं कैसे बाल ले रही हूँ। मैंने यहाँ से बाल लिए एंड देन मैंने अपने जो अदर वाला सेक्शन था उसमें उन बालों को अटैच कर दिया है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसका डिटेल में एक वीडियो शेयर कर दूंगी, सो प्लीज़ कमेंट करना ना भूले, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। एंड जैसा हमने उसमें किया था
पहले वाली हेयर स्टाइल में कि कान तक लेके गए थे एंड देन नॉर्मल ब्रेड किया एंड पीछे जो सेंटर में हमने क्लेक्चर लगाया था उसी में उसको जाके अटैच कर दिया। उसके बाद आपको लूज चाहिए टाइट चाहिए तो मेरी ये मैंने बिल्कुल रफ हैंड से बनाई है तो ये हल्की सी एक जगह से लूज हो गई थी तो मैं उसी को नॉर्मल कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप कॉम का यूज़ कर सकते हो बट मैं आपको कहूँगी कि कॉम का यूज़ ना करो तो बेटर होगा क्योंकि विदाउट कॉम रफली हैंड से जब हम हेयर स्टाइल बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा लुक आता है, बिल्कुल झिल्ली वाला लुक आता है एंड वो दिखने में जो हमारी एशियन स्किन टोन है उस पर दिखने में भी अच्छा लगता है कि हाँ मतलब चीज़ करी हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सी हेयर स्टाइल पसंद आई, कौन सी बिल्कुल पसंद नहीं आई, और कमेंट ज़रूर करना, मतलब कहने का मतलब ये है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू।